अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके पास भी NSER की पर्ची मौजूद है और आप हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपये की इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफ़ी खवातीन हज़रात को NSER की जानिब से एक पर्ची दी गई थी। उस पर्चे से हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खवातीन हज़रात को 25,000 रुपये की इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला कर दिया, और साथ ही साथ जिन खवातीन हज़रात को BISP प्रोग्राम में नाआखिल कर दिया था, BISP प्रोग्राम की जानिब से पेमेंट्स नहीं दी जा रही थी या फिर डायनेमिक का मसला बनाया जा रहा था या फिर किसी भी किस्म का इशू बनाया जा रहा था, तो उन तमाम गरीब और मुस्तहिक खवातीन हज़रात को हुकूमत की जानिब से BISP प्रोग्राम के जरिए भी दोबारा फिर इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला कर दिया। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। जो लिखा इस वीडियो नंबर, तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से जिन खवातीन हजरात को BISP से निकाल दिया था, वो खवातीन हजरात किस तरीके कार के जरिए हुकूमत की जानिब से अपनी इमदाद को वसूल कर सकती हैं। उनके लिए हुकूमत की जानिब से जो बड़ा बेनिफिट दिया गया, उन तमाम गरीब खवातीन हजरात को दोबारा फिर सर्वे का ऑप्शन दे दिया गया। जिन खवातीन को नाइल किया गया, चंद ऐसे इजला है जहां पर हुकूमत की जानिब से एक ऑप्शन दे दिया गया जिसमें तमाम गरीब खवातीन हजरात को दोबारा फिर अपने नाम को अहल करवा सकते हैं। अहल किस तरह करवाएंगी, मैं आपको उसका भी तरीके कर बता दे। तो आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड ले लेना है, किसी भी गरीबी BISP दफ्तर में चला जाना है, वहां पर अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसको सबमिट करना है। सबमिट करते सर फौरी तौर पर आपको हुकूमत की जानिब से सर्वे भी किया जाएगा, आपको हुकूमत की जानिब से पेमेंट्स भी दी जाएंगी। लेकिन अब बात आ जाती है कि हुकूमत की जानिब से जिन खवातीन हजरात को पेमेंट्स नहीं मिल रही, वो खवातीन हजरात क्या करें, वो किस तरीके कार के जरिए अगली जो आने वाली किस्त है वो लेंगी। तो जैसे आप सर्वे करवाएंगे, आपको 81 कतर की जानिब से फाइनल अथमी जो मैसेज है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आहिल कर दिया, नाइल कर दिया, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात आ जाती है काफी खवातीन हजरात NSER की पर्ची को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि हुकूमत की जानिब से NSER से पेमेंटें मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से NSER के जो प्रोग्राम का आगाज किया गया था, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किया गया था, और अब इमरान खान साहब की तो हुकूमत है नहीं, लेकिन सुनने में ये बात आ रही है इनसाइड फ्यूचर में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की दोबारा फिर हुकूमत आ जाएगी तो दोबारा फिर इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खवातीन हज़रात को NSER की पर्ची के जरिए 25,000 रुपए की इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला कर दिया गया है। उम्मीद है आज की ये शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर फायदेमंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।